कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को सांवेर उज्जैन की चुनावी सभा में कहा, रामायण की कथा सुनी होगी, अहि रावण ने चाल चली, छल से राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया, अहि रावण को परास्त कर हनुमान जी दोनों को वापस लाए। इस कथा का संदेश है, जब अन्याय हो तो उससे लड़ना चाहिए, कुरीतियों का प्रतिकार करना चाहिए। प्रियंका बोली, 2018 में आपने एक सरकार चुनी, जिस तरह अहि रावण ने भगवान राम लक्ष्मण से छल किया उसी तरह आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहेरूपियों ने आपकी सरकार चोरी कर ली, भ्रष्टाचार लोक ले गए, यह स्थिति आपको ठीक करना है, आपको हनुमान जी की तरह खड़ा होना है, कांग्रेस को वापस लाना है। प्रियंका खातेगांव देवास में सभा और इंदौर में रोड शो करेंगी। इंदौर में प्रियंका का 3 दिन में यह दूसरा दौरा है। 6 महीने में कांग्रेस महासचिव का मध्य प्रदेश में 7वां दौरा है। जब महात्मा गांधी को गोली लगी उनके मुंह से निकला हे राम, गांधी जी उन्हीं उसूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए, गांधी जी के साथ आपके पूर्वजों मेरे दादा दादी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। जब कोरोना का कहर था आपके यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री सिलावट बेंगलुरु के रिसोर्ट में आपकी सरकार की सौदेबाजी कर रहे थे, वे सरकार में मिलावट कर रहे थे, अच्छा हुआ दूसरी पार्टी में चले गए। चुनावी सभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, गुंडागर्दी करने वाले समझ जाए, कल के बाद परसों भी आता है, सबका हिसाब लिया जाएगा। कमलनाथ 2018 के नहीं 2023 के मॉडल है। 7 दिन बाद पुलिस पैसा और प्रशासन कहां जाएगा ये कमलनाथ देखेंगे। उन्होंने कहा, ये पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मोदी और शिवराज जी, आप जिन स्कूलों कॉलेजों में गए वो कांग्रेस ने बनाए। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।